पहला क्वेश्चन देखिए, आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जॉर्ज रिचर, दूसरा है जिन बार्टिला, तीसरा है एंथोनी गिडिंग्स और चौथा है माइकल फुकॉल्ट। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज रिचर। इन्होंने ही आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक कौन थे? इसमें चार ऑप्शन हैं। पहला है पीटर बर्जर, दूसरा है ब्रिगेट बर्जर और पीटर बर्जर, तीसरा है पीटर बर्जर और टी लुकमैन और चौथा है निकलस लुमेन। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि वास्तविकता की सामाजिक रचना, इसके राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला, पीटर बर्जर और टी लुकमैन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसका कथन है कि सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं? पहला है फ्रेडरिक बार्थ, दूसरा है किलफोर्ड गिट्ज, तीसरा है मैक्स वेबर और चौथा है माइकल गारफील्ड स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, किलफोर्ड गिट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्टीमेट रिसोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला है पॉल एहरलिच, दूसरा है जूलियन लिंकन साइमन, तीसरा है फ्रैंक नोटेस्टिन और चौथा है किंग्सले डेविस। तो द अल्टीमेट रिसोर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं जूलियन लिंकन साइमन। इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? पहला है विकास में महिलाएं, दूसरा है महिलाएं और विकास, तीसरा है लिंग और विकास, चौथा है महिलाएं पर्यावरण और विकास। तो इसका राइट आंसर होगा विकास में महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोट बैंक, सॉरी यहाँ पे बैक टाइप हो गया, वोट बैंक की परिकल्पना किसने दी है? इसमें पहला ऑप्शन है आपका रजनी कोठारी, दूसरा है एम एन श्रीनिवास, तीसरा है योगेंद्र यादव और चौथा है ए आर देसाई। तो इसका राइट आंसर है एम एन श्रीनिवास, सेकंड वाला राइट आंसर है, वोट बैंक की परिकल्पना एम एन श्रीनिवास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई? पहला है विकृषिकरण और आत्महत्याएं, दूसरा है विकृषिकरण, तीसरा है कृषकों की समृद्धि और चौथा है कृषकों के बीच आत्महत्याएं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला होगा, विकृषिकरण और आत्महत्याएं, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? पहला है जन्म के समय बढ़ती हुई आयु संभाव्यता, दूसरा है बाल श्रमिकों का उच्चतर समानुपात, तीसरा है उच्चतर प्रजनन दर और चौथा है प्रौढ़ व्यक्तियों का स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा,
उच्चतर प्रजनन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? पहला है सोरोकिन, दूसरा है दुर्खिम और तीसरा है गिलिन और चौथा है मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है मार्क्स। श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख मार्क्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्नलिखित में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? ऑप्शन चार हैं आपके सामने। पहला है जनजातीय, दूसरा है ग्रामीण, तीसरा है शहरी और चौथा है विश्वनगर। तो इसका राइट आंसर है विश्वनगर, चौथा आपका राइट आंसर है। क्योंकि ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप की प्रघटना विश्वनगरों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था? पहला है मानव विकास, दूसरा है प्रोत्साहन योग्य विकास, तीसरा है निर्धनता में कमी और चौथा है जनसंख्या नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर है प्रोत्साहन योग्य विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपका SM लिप्सर्ट और R बेंडिक्स, दूसरा है RK मर्टन, तीसरा है PL बर्जर और चौथा है R बेंडिक्स। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला होगा, SM लिप्सर्ट और R बेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान आधारित विकास किस पर निर्भर नहीं करता है? पहला है ज्ञान संचय, दूसरा है ज्ञान प्रसार, तीसरा है पूर्वानुमान के लिए ज्ञान और चौथा है उत्पादन के लिए ज्ञान। तो इसमें ज्ञान आधारित विकास किस पर नहीं करता है बताना है हमें। तो ज्ञान संचय में तो नहीं करता है, ज्ञान प्रसार भी नहीं होगा, उत्पादन के लिए ज्ञान भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वानुमान के लिए ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका मार्क्स, दूसरा है डेरन डॉर, तीसरा है वेबर और चौथा है मर्टन। तो इसका राइट आंसर है डेरन डॉर ने क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का सूचक नहीं है? तो क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि किसी में है पूछा जाता है तो किसी में नहीं है, और बहुत से स्टूडेंट नहीं वाले क्वेश्चनों में है में आंसर कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, इसमें कौन सा वैश्वीकरण का सूचक नहीं है पूछा गया है। पहला है श्रम और मानव शक्ति का मुक्त संचलन, दूसरा है निवेश के लिए विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह, तीसरा है रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह और चौथा है आपका विदेशी पूंजी प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। तो इसमें वैश्वीकरण का सूचक नहीं है पूछा है, इसका राइट आंसर होगा रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, तीसरा आंसर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें, जिसमें पहला है स्थिर जन्म और मृत्यु दर, दूसरा है बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, तीसरा है घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, चौथा है स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो इसका राइट आंसर है स्थिर जन्म और मृत्यु दर।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समता से संबंधित है? पहला है आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा है समतावादी संबंध, तीसरा है महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, चौथा है शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला है किंग्सले डेविस, दूसरा है फ्रैंक नोटेस्टीन, तीसरा है थॉमस माल्थस और चौथा है W.W. रोस्को। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, फ्रैंक नोटेस्टीन। इन्होंने जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक रोगों का भारत से अभी पूर्णतः उन्मूलन होना शेष है? पहला ऑप्शन है आपका क्षय रोग, दूसरा है कॉलरा, तीसरा है स्मॉल पॉक्स, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्षय रोग। ये अभी भारत में ये ऐसा संक्रामक रोग है जो भारत में अभी ये मौजूद है, आंशिक रूप से अभी भी लोगों में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित करके महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की सांस्कृतिक प्रभुता को प्रबलित करती है? इसमें पहला ऑप्शन है आपका परिवार, दूसरा है जन संचार, तीसरा है शैक्षिक संस्थाएं और चौथा है धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जन संचार।